मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उसके बाद जो आपके पास 10.2 एक्सरसाइज आएगी उसके अंदर थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। ये कहता है, अब आप ये देखेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होते हैं। कोई भी सर्कल है, अगर उस सर्कल से बाहर कोई भी पॉइंट लिया है तो एक पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देयर कैन बी टू टेंजेंट्स ड्रॉन। उसके बाद कहता है, अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, वो पॉइंट ए अगर सर्कल के अंदर है, तो जो भी लाइन खींचेंगे वो लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, कहीं पर भी टेंजेंट नहीं खींचेगा। तो अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो एक भी टेंजेंट नहीं होगा। उसके बाद अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो एक पॉइंट से हमें एक टेंजेंट खींच सकते हैं। उसके बाद एक थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, कहता है देर विल बी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। कहता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो कहता है उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, ऐसा हमने प्रूव करके दिखाना। तो गीवन क्या है, आपके पास एक सर्कल है और एक पॉइंट है, एक्सटर्नल ए पॉइंट है, इस पॉइंट से ए पी और ए क्यू हमने दो टेंजेंट खींच दिए। गिवन दैट ए पी एंड ए क्यू बी टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, प्रूव करके क्या दिखाना है उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। लेंथ क्या है, ए पी और ए क्यू, तो ए पी और ए क्यू लेंथ आपने इक्वल प्रूव करके दिखानी। ओ इस सर्कल का सेंटर है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ए ओ को मिला दिया, ओ पी को मिला दिया, ओ क्यू को मिला दिया, ये आपके पास कंस्ट्रक्शन है। अब इसका प्रूफ, अब जो ओ पी होगा वो ए पी पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो टेंजेंट है वो जो कौन से पॉइंट पर ही टेंजेंट, ये पॉइंट है पी पे ही, इसको आप आगे भी ले जा सकते हैं। तो पी पॉइंट पर ये जो टेंजेंट है ये इस रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, कौन से पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ऐसे ही ओ क्यू है, वो भी आपके पास ये रेडियस है और ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है क्यू, तो क्यू के ऊपर ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ए क्यू होगा। तो सिंस ओ पी परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ए क्यू होगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट टू ए सर्कल आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वहाँ से जो रेडियस बनेगी वो उस टेंजेंट के ऊपर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये पिछली वीडियो के अंदर हम इस थ्योरम को कर चुके हैं। इसके बाद आपके पास ये फिगर मैंने दोबारा बना दिया है। तो पहले हमने क्या प्रूफ के अंदर क्या लिया, ओ पी और ओ क्यू परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों एंगल आपके पास कितने बन जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाएंगे। तो ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए क्यू ओ, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ओ क्यू ओ, अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ओ पी, इस ट्रायंगल की ओ पी और इस ट्रायंगल की ओ क्यू लेंथ इक्वल होगी क्योंकि रेडियस के इक्वल है। ए ओ, ए ओ इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, कॉमन आ गया। उसके बाद इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ए क्यू ओ, बोथ आर 90 डिग्री ईच। दो साइड और एक एंगल से, साइड साइड एंगल से हम ऐसे ऐसे से हम बताएंगे दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड से इक्वल आ जाएगी, तो पी ए इज इक्वल टू क्यू ए या ए पी इज इक्वल टू ए क्यू आ जाएगा। उसके बाद आपके पास हम 8.2 एक्सरसाइज लेके चलेंगे। तो 8.2 एक्सरसाइज के अंदर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिएगा, कहता है ये आपके पास फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। आपके पास जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 24 सेंटीमीटर है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस है 25, रेडियस निकालनी है। तो इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपके पास लेंथ आ जाएगी 25 24
ये स्क्वेयर करेंगे 49 करो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज 25, ये साइड 24, रेडियस को हम आर मान लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। अब जो सेकंड है इसके अंदर फिगर दे रखा है, तो इसके अंदर कहता है ये एंगल आपने निकालनी है, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू ये एंगल आपने निकालना है। अब ये एंगल कितने का है, 90 का, ये एंगल कितने का है, 90 का, ये एंगल 110 का, ये एंगल आपने मान लिया एक्स या थीटा, तो इन चारों एंगल का सम कितना होगा, ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन चारों एंगल का सम कितना बनेगा, 360 बनेगा, या इन दोनों एंगल का अपोजिट एंगल का सम कितना बनेगा, 180, इन दोनों का 180 है तो इन दोनों एंगल का सम 180 बनेगा, चाहे यूँ कर लें, चाहे चारों का है सम 360 कर लें, तो 90 90 110, ठीक है, तो आपके पास ये एंगल बच जाएगा 70 डिग्री, 70 10 180, 90 90 180, पूरा 360 डिग्री बन जाएगा। इसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या आता है, इफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट टू सर्कल ओ आर इनक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री, कहता है ये दोनों के दोनों आपके पास 80 डिग्री के ऊपर हैं, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब उन दोनों के बीच का एंगल 80 डिग्री है, तो इसका फिगर देखिएगा आपके पास कैसे बनेगा, ये मैं फिगर दिखाता हूँ, देखिए तो ये आपके पास फिगर दे रखा है, तो जब ये एंगल पी ए और पी बी ये है, ये एंगल अगर 80 डिग्री का है तो 40 का ये हो जाएगा, 40 का ये हो जाएगा, तो ये एंगल 40 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, तो ये एंगल कितना बच जाएगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, जिसमें से 90 और 40 130, तो ये एंगल बच जाएगा 50 डिग्री का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिएगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इसने ये बताया है आपके पास है, ये आपके पास है कोई भी सर्कल है, इस सर्कल का ये डायमीटर है, डायमीटर के ए और बी एंड पॉइंट हैं, तो कहता है एंड पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे जाएंगे वो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ऐसा आपने प्रूव करके दिखाना है। तो देखिएगा गिवन में क्या होगा, ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का डायमीटर आपके पास ए बी है, अच्छा प्रूव करके क्या दिखाना है, तो ए के ऊपर टेंजेंट एक्स वाई है, बी के ऊपर टेंजेंट पी क्यू है, दोनों के दोनों टेंजेंट आपने पैरेलल दिखाने हैं, तो एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। अब इसका प्रूफ देखिएगा, तो ओ ए जो है वो एक्स वाई के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये ओ ए परपेंडिकुलर टू एक्स वाई क्यों होगा, क्योंकि पिछली थ्योरम में भी आपने यूज किया है, जो आपके पास रेडियस होगी वो टेंजेंट्स के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ओ ए परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ओ ए रेडियस है। अब ओ बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू होगा, कहता है ऐसे ही ओ बी जो परपेंडिकुलर है वो पी क्यू होगा, परपेंडिकुलर हैं तो दोनों एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री। अब जब दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो कहता है एंगल ओ ए एक्स एंड एंगल ओ बी क्यू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल, तो कहता है दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो कहता है एंगल ओ ए एक्स, अब आपके पास देखिएगा ओ ए एक्स, जब ये ओ ए एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका ये एंगल 90 डिग्री का होगा, और इसका हम ये एंगल 90 डिग्री ले लेते हैं, एंगल ओ बी क्यू ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, और ये ट्रांसवर्स लाइन आपके पास, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ गए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब लाइन से पैरेलल होती है, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं तो हम कह देंगे लाइन्स क्या हैं, पैरेलल हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंस टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ये क्या कहता है, जो टेंजेंट है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर होगी वो सेंटर से पास होके जाएगी, ऐसा आपने प्रूव करके दिखाना है। तो ये आपके पास एक टेंजेंट है, ये आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर आपने खींच दिया वो परपेंडिकुलर सेंटर से होके जाएगा, ऐसा आपने प्रूव करके दिखाना है।
तो इसको हम प्रूफ कैसे करके दिखाएंगे, हमने मान लिया ये आपके पास ओ इस सर्कल का सेंटर है और ओ पी से पी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर है वो हमने मान लिया ओ क्यू डैश है, और बाद में दिखाएंगे आपके पास ये ओ और ओ डैश एक ही बात है, ये पॉइंट यहीं पर है, ये पॉइंट यहीं पर है, तो परपेंडिकुलर था ये और परपेंडिकुलर बन गया ये, और ये जो परपेंडिकुलर है कहाँ से होकर जा रहा है, सेंटर से होकर जा रहा है, ऐसा आपने प्रूव करके दिखाना। तो देखिएगा गिवन में क्या है, ओपी ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, क्यों, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं आपके पास रेडियस, ओपी क्या है, रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। हमने प्रूव करके क्या दिखाना है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओपी अभी तक ये जो ओपी लिखा है ना ये आपके पास ओ यहाँ पर सेंटर नहीं है, यही तो आपने प्रूव करके दिखाना है, जो परपेंडिकुलर है। देखिएगा इस बात को फिर समझिएगा, ये टेंजेंट है, टेंजेंट से आपके पास ये पी पॉइंट पे टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो पी से एक लाइन परपेंडिकुलर खींच दी, ओ पी लाइन हमने परपेंडिकुलर खींच दी, तो आपने यही प्रूव करके दिखाना है कि ओ इसका सेंटर होगा, ताकि जो लाइन परपेंडिकुलर खींची है वो सेंटर से पास होकर जाएगी। तो हम यहाँ पर हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया ओ पी इस एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है, और बाद में प्रूव करके दिखाएंगे ओ तो इस सर्कल का सेंटर है, प्रूव करके क्या दिखाना, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब कंस्ट्रक्शन में हम मान के चलते हैं, लेट टेक एनी पॉइंट ओ डैश नियर टू ओ एंड ज्वाइन ओ डैश पी, हमने ओ डैश को एक पॉइंट ले लिया, ओ के नज़दीक है और ओ डैश पी को आपने मिला लिया। अब इसका प्रूफ, हम ये मान के चलते हैं कि ओ डैश इस सर्कल का, ओ डैश इस सर्कल का सेंटर हम ये मान के चले, और बाद में प्रूव करके दिखाएंगे सेंटर तो ओ है, मतलब ओ डैश और ओ एक ही वैल्यू है, एक ही चीज़ है, एक ही पॉइंट है। तो ओ डैश अगर आपने इस सर्कल का सेंटर माना है तो ओ डैश पी तो इस एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, हमने मान लिया ओ डैश सर्कल का सेंटर है तो ओ डैश पी एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, क्यों, क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाएंगे तो ये रेडियस होगी, रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो ओ डैश पी एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, लेकिन ओ पी एक्स वाई के परपेंडिकुलर दे रखा है तो कहता है ये एंगल 90 डिग्री थ्योरम से होगा और ये 90 डिग्री दे रखा है, तो इन दोनों के, ये दोनों केवल तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब ये ओ डैश पी और ओ पी लाइन एक ही हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस एंगल में और इस एंगल में फ़र्क है। तो आपके पास इक्वेशन एक और दो से आपके पास क्या होगा, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल केवल तभी होंगे जब ओ डैश और ओ पॉइंट एक ही पॉइंट मिल बन जाएंगे, कौन साइड का, मतलब ओ डैश पॉइंट ओ पे आ जाएगा, जब ओ डैश ओ पे आ जाएगा तो ओ डैश को हम सेंटर लेके चल रहे थे तो ओ आपके पास क्या हो गया, सेंटर हो गया, और जो परपेंडिकुलर दे रखा था वो ओ से जा रहा था, इसलिए परपेंडिकुलर आपके पास किससे जा रहा है, सर्कल के सेंटर से पास होकर जाएगा। उसके बाद छठे क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंपल, आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये कोई भी पॉइंट है, सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये आपके पास कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये आपने रेडियस निकालना, तो ये 90 डिग्री, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 25 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये लेंथ आपके पास 3 आ जाएगी। उसके बाद सातवां क्वेश्चन क्या आता है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। इसने क्या बताया, देखिएगा दो सर्कल हैं, एक अंदर वाला सर्कल है, दूसरा बाहर वाला, तो क्या कहता है, दो सर्कल हैं, उनकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, एक सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी, ये सेंटर है, और दोनों कंसेंट्रिक हैं, कंसेंट्रिक का मतलब दोनों सर्कल का सेंटर है एक ही पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट से आपके पास ये रेडियस होगी अंदर वाले सर्कल की, और ये पूरी की पूरी रेडियस होगी बाहर वाले सर्कल की, या ये कहें ये रेडियस है बाहर वाले सर्कल की,
तो ये रेडियस बाहर वाले सर्कल की, ये भी रेडियस बाहर वाले सर्कल की, ये रेडियस अंदर वाले सर्कल की। और क्या कहता है, जो अंदर वाला सर्कल है उसके ऊपर टेंजेंट खींच दिया, ये टेंजेंट खींच दिया, और वो जो टेंजेंट खींचा है वो बाहर वाले सर्कल को दो पॉइंटों पर काटता है, पी और ए क्यू। तो बाहर वाले सर्कल की ये पी क्यू क्या हो गई, एक कोड हो गई। तो इस कोड की आपने लेंथ निकालनी है, पी क्यू लेंथ। तो ये पी क्यू लेंथ निकालेंगे तो इसके लिए ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, ये लेंथ आपके पास क्या बनेगी, 3 सेंटीमीटर बनेगी। अब इस ट्रायंगल ओ एफ टी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री हुआ, क्योंकि ये जो आपके पास पी क्यू है ये तो टेंजेंट है, कौन से सर्कल पे, अंदर वाले सर्कल पे, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 5 है, ये 3 है, तो 25, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया तो आपके पास 16 बचेगा, और उसका रूट करेंगे तो 4। तो ये लेंथ आपके पास 4 आ गई, तो ये लेंथ भी आपके पास क्या हो जाएगी, 4 ही आ जाएगी, 4 और 4 8, पी क्यू लेंथ आपके पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखिएगा ये इसका प्रूफ है। तो आपके पास ये 7 क्वेश्चन हो गए आपके पास है, और 6 क्वेश्चन आपके पास बाकी बचे हैं। तो बाकी क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।